नमस्कार, मैं निशा जड्डा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो बाढ़ है, तबाही है, वो आई हुई है यहाँ पर। आपको बता दें, कांगड़ा में पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें हम, तो इतनी तेज बरसात की वजह से पूरी जगह कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो कहीं क्या हो रहा है। और कांगड़ा क्षेत्र के मंड इलाके की बात करें तो यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना पानी जो है यहाँ पे चल रहा है। और आपको बता दें कि कितना यहाँ पे मुश्किल हो रही है। हम आए थे मंड इलाके की तस्वीरें दिखाने आपको, लेकिन मंड इलाका जो है वो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये फ्लड है जहाँ आप देख पा रहे हैं, हम मंड इलाका है यहाँ से क्रॉस ही नहीं कर सकते। सामने अरनी यूनिवर्सिटी है जहाँ से बच्चों को सेफली बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो सामने पुली है, यहाँ के लिए जो पुल था वो टूट चुका है। यहाँ पे वो पानी में बह गई है रोड पूरी की पूरी, और लोगों के खेत किस तरीके से बह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको समाचार फर्स्ट पर देखने को मिल रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको आज सुबह से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितना फ्लड यहाँ पे आया हुआ है। ये सारे खेत हैं और ये पानी अभी आया है। और आपको बता दें, थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो मंड इलाके के लोगों में बाढ़ में वहाँ कितना पानी आया होगा, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम तो जाना तो हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पहुँचना भी हमें बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं हम यहाँ पे, लेकिन मंड इलाका पहुँचना नामुमकिन सा है, क्योंकि पुली टूट चुकी है, रास्ते में बस ये बाढ़ बाढ़ आ चुकी है। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से खेत यहाँ पर पूरे डूब चुके हैं पानी में, और यहाँ वाले खेत तो पूरे बह ही जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे आने में मेरी जो है मदद की है यहाँ पे आने में। आप देख पाए सर, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग यहाँ पे आए, क्योंकि इसी इस पूरे इलाके से जो है पूरा रोड क्रॉस इन्होंने करवाया है पूरे पानी में। आपसे बातचीत करेंगे सर, आपका शुभ नाम? शेर अली। हाँ जी, शेर अली। शेर अली, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि आपका कमरा भी वहाँ पे है, उसके बारे में बताइए। मैडम जी, मोटर का कमरा है। मोटर का कमरा है, तो ये भी डूब चुका है? डूब चुका है। आपका घर है इस इलाके में? हाँ जी। तो वहाँ पे भी पानी आया है? घर के साथ पानी आ गया, तो मतलब रिस्क है पूरा का? रिस्क पूरा। कितने लोग जो हैं यहाँ से अभी तक सेफली निकाले गए हैं? यहाँ से आए तकरीबन 150 लोग। अरनी यूनिवर्सिटी साइड से? ठीक है। और मंड के लोग तो हेलीकॉप्टर में ही जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर से कुछ को परली तरफ से निकल रहे हैं कुछ। और यहाँ पे लोगों की मदद की जा रही है किस तरीके से? मदद ऐसे ही, कोई एनडीआरएफ से, कोई लोकल लोग जी, ट्यूबों से जैसे अभी लेकर जा रहे थे। हाँ जी। तो ऐसे जितनी मदद हो रही है ऐसे उतनी कर रहे हैं लोग, खाने पीने के लिए, हर चीज की जैसी भी जरूरत पड़े, कोई बीमार है, दवाई है ऐसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, क्या आप क्या कहेंगे, ये बाढ़ जो आई है कितना नुकसान हुआ होगा लोगों का? मैम जी, कम से कम भी जहाँ पर कोई 400-500 एकड़ जो है फसल खराब हो चुकी है। 400-500 एकड़ खराब हो चुकी है, तो जमीन भी भरी होगी? हाँ, जो आप देख रहे हैं ये सभी जमीन थी, ये जहाँ पर धान की फसल थी जी वो भी बर्बाद हो गई जी। जो चारा था वो भी खत्म हो गया जी। ठीक है जी। तो सरकार से हम मदद चाहते हैं कि जितनी भी आप मदद करना चाहें, सरकार वो इन गरीबों के साथ पूरी मदद करे। ठीक है जी। और ये हमारे ब्लॉक के कांग्रेस के प्रधान जी हैं, और मैं जनरल सेक्रेटरी इंदौरा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक ब्लॉक का। तो हम कल 5 बजे यहाँ पर आ, हमारी टीम ने हमें भेज दिया जी, कि आप 5 बजे आप जहाँ पर जाओ, जो आपके इलाके हैं, कहीं ना भागो, आप अपने इलाके सेव करो, कोई भी फंसा हुआ है टीम आपको देते हैं। 2-3 टीमें हमारे पास जहाँ पर पहुँच गई थी, एनडीआरएफ की, आर्मी की टीम आ गई थी, जो फंसे हुए थे उनको हेलीकॉप्टर के जरिए भी निकाल रहे थे। एनडीआरएफ की टीम जहाँ पहुँच रही थी वहाँ से निकाल रहे थे। रात को 9:30-10 बजे हमने अरनी यूनिवर्सिटी से 50 लोगों का मतलब रेस्क्यू किया हुआ है, उनको सेफ मतलब पहुंचा दिया जी। ठीक है जी। और अभी आप तो देख रहे हैं ये हाल, ये पुली है, ये मेन लगती है बराल मंड अरनी यूनिवर्सिटी के, जो ये मेन ये सड़क है जहाँ से बडुकर और पराल ये है 20-22 किलोमीटर है, ये पूरा ही रास्ता जो गस्त हो चुका है। एक 3-5-6 टीमें इधर लगी हुई हैं एनडीआरएफ की, और जो पार का इलाका आर्मी लगी हुई है वो भी इसका मतलब पूरा ही रेस्क्यू कर रहे हैं, जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं, जैसे मतलब हेलीकॉप्टर से जरिए निकाल रहे हैं,
और NDRF के एरिए भी निकाल रहे हैं। वो हमारी जो जितनी भी है योजना थी, हमारे मुख्यमंत्री जी आज आए थे, उन्होंने जाकर पूरा दौरा किया है, मांड क्षेत्र का किया हुआ है, डुखर से लेके रेत से लेके जितना भी है मीलमा तक, बटोतिया तक, उन्होंने ये इसका मतलब हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने इसका मतलब किया हुआ है, उन्होंने दौरा किया हुआ है और उन्हें आश्वासन दिया है जितनी भी हम सरकार से मदद होगी हम करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनके अपने फार्म हैं यहाँ पे। सर आपका नाम? अश्विनी जी, आपको यहाँ के लोग प्यार से मुंशी कहते हैं। तो कितना नुकसान हुआ है आप? तो काफी कितना हो? लगभग 500-600 एकड़। और आपके फार्म आपने बताया यहाँ पे हैं, तो वहाँ कोई नुकसान हुआ है? कितना? 100 एकड़ तो हमारे चले गए, नुकसान हो गया। 100 एकड़ का आपका चला गया है। आप कहाँ से हैं बेसिकली? हिमाचल से, रैन से। रैन से हैं आप? सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? जितना जल्दी हो उतना कर दे, जितनी मदद हो जाए। मदद हो जाए जी, नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया पब्लिक, हमारा भी हुआ, पब्लिक भी काफी हुआ है। तो आपने देखा कि पंप डैम से पानी छोड़ा गया था, मंड इलाके में किस तरीके से बाढ़ आई, उसकी तस्वीरें हमारे द्वारा आपको दिखाई गई। आपको बता दें जिला कांगड़ा से 1700 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम जो है वो चल रही है अभी भी, हेलीकॉप्टर की आवाज हमें सुनाई दे रही है। अगर तस्वीर में हम आपको दिखा पाए तो जरूर दिखाएंगे। रेस्क्यू जो है ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, मंड इलाके में हम प्रॉपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बिल्कुल सड़क खराब है। 500 एकड़ का लगभग यहाँ पे नुकसान हो चुका है, लोगों के फार्म पर पानी आ चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। समाचार फर्स्ट लगातार आपको यहाँ बाढ़ से जुड़ी खबरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग की खबरें दिखा रहा है। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये खबर देख रहे हैं उसे फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बनी रहिए हिमाचल प्रदेश की हर अपडेट जानने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।